मेरा नाम है विवेक भारद्वाज। आप देख रहे हैं हमारा चैनल टेक्नोलॉजी विद विवेक, जहां मैं हर रोज मोबाइल और कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए काफी सारे वीडियोस लेकर आता रहता हूं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल सके। आइए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। व्हाट्सएप वेब की शुरुआत जिस तरीके से हुई थी, उसी तरीके से अब टेलीग्राम वेब भी जो है आप लोग अपने डेस्कटॉप और पीसी पर लैपटॉप पर चला पाएंगे। जैसे हम व्हाट्सएप वेब का यूज़ करते हैं, उसी तरीके से हम जो है टेलीग्राम वेब को भी यूज़ कर सकते हैं। हमें करना क्या है, यहाँ गूगल पर हमें लिखना है टेलीग्राम वेब। इसके बाद जो है आपको यहाँ जाना है टेलीग्राम डेस्कटॉप पर। ये आप देख रहे हैं टेलीग्राम मैसेंजर मोबाइल एप्लीकेशन, जो कि मोबाइल का ऐप है टेलीग्राम का। उसी तरीके से आप टेलीग्राम डेस्कटॉप पर जाएंगे। यहाँ जाने के बाद दोस्तों जो है इसके अलग अलग वर्जन्स जो है डाउनलोड करने होते हैं, जिस भी प्लेटफॉर्म पर आप चला रहे हैं। जैसे कि आपका विंडोज 64 है, या आप मैक ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज़ करते हैं, विंडोज़ का यूज़ करते हैं, या फिर आप लाइनेक्स 64 बिट यूज़ करते हैं, तो आपको जो है यहाँ पर गेट टेलीग्राम फॉर विंडोज़ पर जाना है। क्योंकि मेरे पास ये सॉफ्टवेयर पहले से जो है इंस्टॉल है, मैं आपको ये दिखा देता हूँ। यहाँ पर जो इंस्टॉल का साइज आएगा, ये आप देख सकते हैं 25.08 MB का ये जो साइज है, मैं इसे यहाँ पर जो है पॉज कर देता हूँ। अब मैं आपको लेकर चलता हूँ कि ये किस तरीके से जो है वर्क करेगा। ये देखिए दोस्तों, ये इस तरीके का आइकन डाउनलोड होने के बाद आप ये देख सकते हैं, टेलीग्राम का आइकन हमने यहाँ देख सकते हैं। इस पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको करना क्या है, जिस तरीके से आप व्हाट्सएप वेब में स्कैन करते हैं, उसी तरीके से आप जो है टेलीग्राम में भी स्कैन करेंगे। टेलीग्राम ये जैसे ही ये सॉफ्टवेयर ओपन होगा, हमें जो है अपने मोबाइल के टेलीग्राम में जाना है। और मोबाइल के टेलीग्राम में जाते ही हमें सेटिंग्स पे जाना होता है। सेटिंग्स पर जाने के बाद एक ऑप्शन आता है दोस्तों डिवाइस का। डिवाइस पर जाने के बाद जो है हमें यहाँ पर एक जो QR कोड आएगा उसको जो है स्कैन करना होगा। देखिए ये ओपन हो गया, यहाँ लिखा आ रहा है टेलीग्राम डेस्कटॉप ऐप है ये। यहाँ स्टार्ट मैसेजिंग पर हम जाएंगे। स्टार्ट मैसेजिंग पर क्लिक करते ही जो है ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये मोबाइल नंबर मांग रहा है। हम मोबाइल नंबर दे देते हैं यहाँ पर, क्योंकि हमने इसको जो है एक बार स्कैन कर लिया था। ये यहाँ देखिए मोबाइल नंबर के बाद जो है यहाँ पर एक SMS कोड आएगा। लॉगिन कोड जो है दोस्तों आपको टेलीग्राम पर ही आने वाला है, और लॉगिन कोड यहाँ पर आप डालेंगे, वहाँ पर वो सभी जानकारी आपको देगा। ये मैं यहाँ पर जो है इसका लॉगिन कोड डाल रहा हूँ। ये मैंने लॉगिन कोड डाल दिया है, और लॉगिन कोड डालने के बाद देखिए दोस्तों ये यहाँ पर लॉगिन हो गया है। लॉगिन होने के साथ ये यहाँ ओपन हो गया है। आप देख सकते हैं ये टेलीग्राम ने अभी अभी मैसेज किया, जिसमें ये दिखाया कि आपने जो है एक डेस्कटॉप से और उसका IP एड्रेस दिया गया, यहाँ से आपने एक्सेस किया है। और इसी तरीके से आप जो है देखिए डेस्कटॉप पर भी इजीली इसको चला सकते हैं। ये आपके ग्रुप्स होंगे और पर्सनल चैट जो आपकी होंगी, यहाँ पर आप इजीली उसको एक्सेस कर सकते हैं। और जैसे आप इसको जो है हम कह सकते हैं कि मोबाइल में एप्लीकेशन पे चलाते हैं, उसी तरीके से आप यहाँ भी चला सकते हैं। जब भी आपको यहाँ से बंद करना होता है आप बंद कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ से फिर से एप्लीकेशन को स्टार्ट करेंगे और अब ये आपको स्टार्ट मिलेगा अनटिल और अनलेस, जब तक आप जो है इसको टेलीग्राम ऐप पर जाने के बाद सेटिंग्स पर जाएंगे, और जहाँ से आपने इसको डिवाइसेस में जाकर अलाउ किया था, कोड को स्कैन किया था, वहीं से आप जो एक्टिव सेशन है उसको आप लॉग आउट भी कर सकते हैं। जैसे ही आप एक्टिव सेशन को वहाँ से लॉग आउट कर देंगे, टर्मिनेट कर देंगे, ये देखिए ऑटोमेटिकली ये यहाँ से जो है बंद हो गया है। इसके बाद आपको यहाँ पर फिर से अगर ओपन करना है तो आप स्टार्ट मैसेजिंग पर जाएंगे। ये देखिए QR कोड आ गया है। अब हमें सेटिंग्स डिवाइसेस में जाने के बाद और QR कोड को जैसे ही मैं स्कैन करूँगा, यहाँ पर स्कैन करते ही ये देखिए ये हमारा टेलीग्राम यहाँ पर स्टार्ट हो गया है। और अब ये डेस्कटॉप वर्जन में भी वैसे ही काम करेगा जैसे मोबाइल में करता है। तो दोस्तों अब इस आसान तरीके से आप जो है डेस्कटॉप पर भी टेलीग्राम को चला पाएंगे, क्योंकि टेलीग्राम इंडियन एप्लीकेशन होने के साथ साथ बहुत ज़्यादा यूज़ में आ रहा है, काफ़ी अच्छा ये वर्क कर रहा है, और इस पर बहुत ज़्यादा काम अब लोग करने लगे हैं मैसेजिंग के थ्रू, ग्रुप्स के थ्रू। तो आप भी इसका यूज़ जो है डेस्कटॉप और लैपटॉप PC पर इजीली कर पाएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरा नाम है विवेक भारद्वाज। थैंक यू।